वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ दिया। आज 2 बजे मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के बाद मामला सुरक्षित रख लिया गया, जिसके बाद कल सुबह उन्हें राउल एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में आक्रोश है, जिससे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश में अलग अलग राज्यों में आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि गाजियाबाद और दिल्ली में तो इन लोगों की पुलिस से झड़प की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। नजर डालिए इन तस्वीरों पर। वहीं मेरठ में भी आज आप कार्यकर्ताओं ने सीबीआई का पुतला फूंका और प्रदर्शन पर उतरे। इनका जायजा लिया हमारी संवाददाता नीलो परंसारी। आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने जो पूरे देश में प्रदर्शन कर रखा है, क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद मनीष सिसोदिया को? देखिए, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि इस देश के अंदर एक शिक्षा मंत्री जो बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहा है, गरीब बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए काम कर रहा है, देश के सर्वोच्च शिक्षा मंत्री, उनको ये भाजा वेंडेटा के रूप में इस्तेमाल करके उनको जेल भेजने का काम कर रहा है, उनपे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमारे नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, सीधा सीधा आरोप इसका भाजपा में लगाया जा रहा है। क्या क्या सबूत हैं भाजपा के खिलाफ आपके पास? अरे, आप देखिए, सबूत बिल्कुल साफ है। जब ईडी की जांच हुई, मनीष सिसोदिया जी का उसमें चार्जशीट में नाम नहीं, और उसके बाद भी जबरदस्ती मनीष जी को घसीटते रहे, उसके बाद भी लगातार हल्ला मचाते रहे। और आज उनके पास सबूत है पूरे, जो 2 बजे कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। अरे, वो तोता है भाई, मालिक की बात नहीं मानेगा तो कैसे काम चलेगा? अगर मनीष सिसोदिया को आज रिहाई नहीं मिलती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन से अगर रिहाई मुझे लगता है तो प्रदर्शन मिलेगी, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी, जो आप अपने ज्ञापन में रखने वाले हैं? देखिए, हमारी तो सीधी मांग यही है कि जैसे गलत तरीके से निराधार आरोप लगाकर मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजने की तैयारी की गई है, हम ना सिर्फ हम सभी बल्कि भावनात्मक रूप से अन्य राजनीतिक दल भी उनके साथ खड़े हैं। कल आप अखिलेश जी का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कहा बिल्कुल निराधार बात है। और अभी आप ये कह रही थी कि सीबीआई का कहना ये है कि उनके पास सारे सबूत हैं, हमारा कहना यह है कि सिसोदिया जी के खिलाफ तो सिर्फ सीबीआई के पास सबूत है, लेकिन अडानी के खिलाफ तो पूरे देश के पास सबूत है। उनके खिलाफ सीबीआई जांच कराइए, आप ईडी की जांच कराइए, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं? कानून और संविधान पूरे देश के और पूरे नागरिकों के ये एक समान है, इसलिए सबको एक समान एक नजर से देखें। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अंत तक लड़ाई लड़ेंगे मनीष सिसोदिया को बाहर करने के लिए, और सारा सारा इल्जाम उनका बीजेपी पर है। उनका ये कहना है कि अगर घोटाले की बात हो रही है तो अडानी की जांच क्यों नहीं की जाती है, मनीष सिसोदिया की जांच क्यों की गई है? कैमरामैन अर्जुन के साथ मैंने लोफर अंसारी, फर्स्ट बाइट टीवी। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल सिसोदिया को रविवार दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रचते हुए सबूत मिटाने की कोशिश की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ है, वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी।
अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।